हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आई हूँ नर्सरी, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था यहाँ से, कुछ पौधे शौधे लेने थे, तो बस मैं यहाँ पर आई हूँ। तो अभी मैं देखती हूँ कि मैं क्या क्या मुझे यहाँ पसंद आता है, क्या क्या मैं चीज़ें लेती हूँ, और मैं आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाऊंगी, जिससे जो है बहुत सारी चीज़ें दूर होती हैं। मतलब बहुत सारी, जैसे पत्थर चल पौधा होता है एक, उसके लिए आप वो यूज़ करो तो आपको। भाई, नर्सरी हम आ गए हैं। ये बहुत छोटू सी नर्सरी है, तो बस इधर देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो देखते हैं। अगर यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया बिलफर्ज, तो मैं एक और नर्सरी है वहाँ जाके देखूँगी। अरे ये देखिए एक चीज़, ओ ये कितने क्यूट है, छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं मुझे। ओ ये येलो कलर का भी कोई है, ये देखिए ये भी कुछ है, ओ क्यूट। आज मौसम थोड़ा अच्छा है, आज हवा हवा चल रही है तो मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है जैसे होती है बहुत ज़्यादा गर्मी। भाई हम नर्सरी पहुंच चुके हैं और यहाँ ये सारे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे मुझे दिख रहे हैं, माशाल्लाह। तो बस अभी हम जा रहे हैं अंदर, पूछते हैं जाके वहाँ पे कि कहाँ मुझे चीज़ें दिख रही, कहाँ सब्जियों के और ये सारी चीज़ें। तो अभी उन्होंने मुझे बताया है कि अनार का ना शायद ये है, ये वाला दरख्त है अनार का। हाँ ये देखिए, इसको पता नहीं क्या कहते हैं लेकिन है ये कुछ, ये भी किसी चीज़ का दरख्त है, ये कुछ लगे हुए। तो बस इनसे पूछते हैं चल के कहाँ सब्जियाँ लगी हुई हैं और कहाँ जो है वो आम के दरख्त वगैरह, ये सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। बहुत बड़ी नर्सरी है, बहुत बड़ी। कौन कौन से दरख्त हैं आपके पास, मतलब जो लगा सकते हैं सब्जियों के? तो उन्होंने बोला लीमू है, तो चले लीमू देखते हैं। वो कह रहे हैं उसमें लगे हुए भी हैं, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं फिर। ये तो अभी बहुत छोटे हैं, छोटे हैं। तो ये खैर ये रहे लीमू और आम वगैरह के, और आम और कोई सब्जियों के? सब्जी नहीं है। चीकू लगे हुए, चले आए चीकू की पे देख, फिर हम चीकू के भी देखते हैं यहाँ पे के चीकू भी लगे हुए होंगे उसमें, जाहिर सी बात है। तो बस चीकू देखते हैं और फिर चीकू आपको भी दिखाते हैं। अगर देखिए मुझे लेना तो खैर आम का दरख्त था प्रॉपर, जो अच्छा सा बड़ा होता है, मुझे वो लेना था। तो आप चलते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, तो ये चीकू लगे हुए हैं यहाँ पे, ये चीकू का दरख्त है। अभी तो सिर्फ ये दो दरख्त ही मुझे नज़र आए, बाकी बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह यहाँ पर हैं। तो चलें देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें। यहाँ भी ये रहा लीमू का, अमरूद है, मगर लगे हुए नहीं है अभी, पौधे तो हैं, पौधे हैं लेकिन लगे हुए नहीं है। ये देखो ना, ये अनार का है, सही अमरूद का है। तो ये अभी सीजन भी नहीं है ना इनका? नहीं सीजन नहीं है, सही। ये नारियल है। अच्छा अच्छा, ये नारियल है, ठीक। बाहर आ जाती हूँ तो बस चलते हैं, क्योंकि मुझे तो
जो लेना था वो तो नहीं दिखा मुझे यहाँ पे, चल के कहीं और देखते हैं, फिर मिलता है तो फिर हम बताते हैं आप लोगों को भी। तो अभी चलते हैं बस। तो भाई यहाँ तो मुझे अभी कुछ समझ नहीं आया है, और लेकिन यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे आप कोई अपना जो है वो आगे का जितना भी लॉन है आप अगर उसको डेकोरेट करना चाहते हैं अच्छे अच्छे फ्लावर से, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिल जाएंगी वैसे तो, लेकिन इधर वेजिटेबल और ये सारी चीज़ें नहीं है अभी, तो इसलिए हम रोड पार करके सामने वाली नर्सरी में जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि तो वहाँ जाके भी मिलते हैं वहाँ को। तो हम दूसरी नर्सरी में पहुँच चुके हैं, तो मेरी आवाज़ पता नहीं आप लोगों को आ रही होगी या नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, लेकिन इधर रोड है तो सारी गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं तो उनकी भी आवाज़ है। तो बस चलते हैं और चल के देखते हैं और पूछते हैं उनसे कि उनके पास क्या क्या है। भाई अभी मुझे यहाँ पे कोई भाई नज़र नहीं आ रहे, तो जैसे ही वो मुझे दिखते हैं तो उनसे फिर पूछती हूँ कि आपके पास क्या क्या है। अभी जो जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने वो दिखाती रहूँगी मैं, वो दिखाएं सामने। शायद इनको जो है ना वो गुलाब के फूल नहीं, कौन से फूल बोलते हैं कोई से फूल बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनको कुछ बोलते हैं, सनफ्लावर बोलते हैं शायद वो येलो वाले को, अब मुझे नहीं पता, अब जो भी है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है चलते हैं, और भाई जो भी होंगे वहाँ से उनसे पूछते हैं कि भाई ये मुझे कुछ नज़र आया, जल्दी दिखाई मुझे यहाँ से, यहाँ से आ रही है इधर जल्दी से देखें कुछ लगा हुआ, पता नहीं शायद ये लीमू है, लेकिन लीमू होते तो इतने बड़े कैसे हो सकते हैं। तो भाई ये हमें छोटू छोटू से लीमू नज़र आए, इधर छोटू नहीं है काफ़ी बड़े, जैसे मैंने पिछली वाली जो है आप लोगों को उसमें दिखाया था नर्सरी में, तो वो इतने छोटू छोटू से, लेकिन ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने बड़े बड़े से। खैर हम आगे जाके उनसे पूछते हैं कि ये नींबू है या नहीं है। चल तो भाई हमने जो है भाई को बुलवाया है अंदर से, तो अभी भाई आएंगे तो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि किस चीज़ के वहाँ दरख्त लगे हुए, तो बस अभी हम जाते हैं देखते हैं, पता नहीं भाई कितनी देर लगा रहा है, खैर भाई आता है तो वो फिर बताते हैं कि कहाँ क्या 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 चीज़ें लगी हैं, तो जब मुझे वहाँ लेके चलने जा सब्जियाँ। हाँ तो जो भी आप मुझे वो अंदर कहूँ कौन सी दरख्त है, कौन कौन सी आ सकते हैं हम अंदर, आ जाओ ये वाले एरिया में जो मैं आपको बता रही थी, तो बस इधर आते हैं और देखते हैं कौन कौन से दरख्त है। हाँ जी तो बताइए कौन कौन से आपके पास, यहाँ पे कहाँ है वो जो आपको बोल रहे थे मिर्ची का, चले भाई मिर्ची का दरख्त देखते हैं या जो पौधा होता है जो भी होता है मुझे नहीं पता, हरा धनिया पौधे में कुछ भी नहीं, अरे वाह ये तो लाल वाली मिर्ची है, ये देखे जी ये लाल वाली मिर्ची, ग्रीन वाली भी नहीं है, तो यहाँ पे रेड भी मिर्च है यहाँ पे, और वो देखे दिखाएं मैं करीब से दिखाती, तो भाई ये वाली जो है ये ग्रीन वाली है, ये देखिए फोकस हो रहा है, हाँ जी तो ये ग्रीन वाली मिर्ची है और ये है रेड वाली, और हरा धनिया वगैरह धनिया नहीं बस पुदीना पड़ा, हाँ तो हम पुदीना भी दिखाते हैं। कौन कौन से ऐसे दरख्त हैं जिनकी बाहर बाहर क्यारियाँ होती हैं उधर जाके वो लगते हैं और उग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी पूछते हैं इनसे, अगर बता दें तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे हैं। कौन
पुदीना हो, मिर्ची क्या होता है? अच्छा मिर्ची। तो भाई जो हमें लेना है वो हम चलते हैं, पूछते हैं और लेते हैं और फिर जाके घर में भी लगाते हैं। तो बस चलते हैं। हाँ तो अच्छा, चलें यहाँ से जाना है, पहले चल ऐसे जाए। अरे ये खोलें। भाई एक बात बता दें हम आपको, वीडियो बनाना ना कोई आसान बात नहीं होती, व्लॉग मतलब व्लॉग करना कोई आसान बात नहीं होती, ऐसी ऐसी जगहों से जाना पड़ता है। तो बस हम जाते हैं। इससे बड़ा नहीं है, कितने का है ये? बस करो, मतलब इसने देख लिया कि वीडियो बन रही है और सब कुछ हो रहा है तो पैसे ज़्यादा बता दूँ। अभी देखते हैं, अभी कम वम करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बोल दिया। और हम शायद मेरा इरादा थोड़ा थोड़ा बदल जाए तो अभी कुछ पता नहीं है। कौन कौन से पौधे लिए? नहीं दिखा रही, मैं घर जाके बताऊंगी मैंने कौन कौन से पौधे लिए, ठीक है? तो भाई घर आ गए। घर आने के बाद और चीज जो है वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी हमने क्या क्या लिया है। तो उससे पहले, क्योंकि बहुत थक गए हैं क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा घूमे फिरे, तो भाई मुश्ताक भाई को बोलते हैं कुछ हमें जूस वूस बना के पिलाएं। तो वो हमें मैंगो शेक बनाते हैं और फिर हमें जो है पिलाते हैं बना के, और वो कैसा बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, और वो कैसे बनाते हैं चीज़ें वगैरह डाल के वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं मुश्ताक भाई को बोलती हूँ कि जल्दी जल्दी जाए, दूध वूध लेकर आए और जल्दी साफ करने हैं इनको। मुश्ताक भाई जल्दी जाए और बना के लेकर। मुश्ताक भाई जल्दी जाए और बनाए जाके। बाली अभी अभी जूस पिलाता हूँ आपको मैंगो का, ऐसा मैंगो। तो बस अल्पर्क दूध के साथ और बर्फ की चार ककड़ियाँ डालता हूँ। हाँ बस सही है, अभी जैसे बनाते हैं वो मैं दिखाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है? हाँ जी, आम का पौधा तो हमें मिला नहीं, लेकिन हमें आम का जूस मिल गया है, सॉरी शेक मिल गया है। तो बस जल्दी जल्दी शेक पीते हैं, क्योंकि मैंने जो पौधा है वो मुश्ताक भाई से मंगवाया है एक जगह से, तो लेकर आ जाएंगे वो। तो चलें इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसे। मज़ेदार मिलते हैं आपको। तो खैर मैंने, मेरा इरादा चेंज हो गया था तो इसलिए मैंने लीमू ले लिया, ये मैंने पुदीना का ले लिया एक छोटा सा दरख्त, और ये मैंने लाल मिर्च। तो बस इसको मुश्ताक भाई लगाएंगे अंदर ही, क्योंकि बाहर तो है ही नहीं ऐसा कि बाहर लगाएंगे, तो बाहर लगाएंगे तो फिर वो बच्चे होते हैं वो भी सब तोड़ वोड़ लेंगे, तो इसलिए हम जो इसको, हाँ और सामने वालों के बकरे हैं वो खा जाते हैं। बस ने के मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक किया करें, शेयर किया कि करा करें और सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि लोग तो बहुत सारे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो जब देखा करें तो सब्सक्राइब कर दिया करें, नीचे जाके एक लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है कर दिया करें, इसमें कौन सा कुछ जा रहा होता है। तो उसके बाद हम आपको मिलते हैं, खुदाफिज़।